हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शैडो फाइट एरिना। और ये प्लेयर मार्कस के साथ जैसा खेलेगा वो तुमने और मैंने सोची ना होगी। अरे मार्कस के साथ कुछ लोग हेवी स्पैम क्यों करते हैं, कुछ लोग कीबो के साथ कैम क्यों करते हैं, इन चीज़ों का जवाब हमें कब मिलेगा, कब? यहाँ पे मैंने एक अच्छा कैंसिल किया फिर पे, एक लो अटैक लगाया, एक ग्रैब और एक हेवी लगा नहीं। चलो अब तक ठीक है। ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर ब्लॉक ब्रेकर के साथ, एक और नहीं, अच्छा उसका शैडो चार्ज हो गया, मेरा अपर वाला कनेक्ट हो गया, शैडो शेल्टर ने बचा लिया मुझे, एक हेवी, एक और हेवी, एक और मारेगा, एक और। मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या सोच के ये करते हैं। एक और हेवी। मुझे हंसी आती है क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि इससे जीता जा सकता है। और क्या ही बोलूं, शौक बड़ी चीज़ है। एक और, हाँ मार्कस के साथ सिर्फ इसने स्पैम किया, बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ ठीक खेला। मैंने यहाँ पे उप्स किया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्पैम किया था, बाकी ठीक था उसका गेम प्ले, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है। मार्कस के साथ स्पैम करना है हेवी, कीबो के साथ कैम करना है, ये एक रूल बन चुका है मैक्सिमम प्लेयर्स का शैडो फाइट एरिना में। वैसे ये प्लेयर बुरा नहीं है, इसके साथ मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, मैं इसे कुछ नहीं बोल रहा। मार्कस के साथ ही सिर्फ उसने स्पैम किया था, नॉर्मली उतना बुरा प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा अपर कनेक्ट हो गया एंटी एयर के साथ। मैं कोशिश करूँगा डेली अभी कमेंट्री वीडियोस लाने का। मेरे पास माइक नहीं है इसलिए बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा डेली अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का। मेरे पास कुछ प्लान्स है, इस हफ्ता थोड़ा सा प्रेशर गया, अभी देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, और डेली अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, बट देखते हैं। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे बहुत जल्दी शेंक ख़त्म हो गया, ठीक ठाक खेला उसने शेंक के साथ। और भी आयरन क्लैड, कल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया। दो मैचेस हारने के बाद -84 × 2 168, और जीतने के बाद +4, कैसा लगेगा बोलो? एक कैंपर के अगेंस्ट हारा और एक अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट हारा, दोनों ही मैक्स्ड, ठीक है। तुम एक चीज़ समझाओ मुझे, Dojo 13 vs Dojo 13 के मैक्स्ड आउट बैटल्स में एक कैंपर को हराने के बाद +4 मिलता है अभी इस रेंज में? एक बार 8500 में गया था एक बार, +3 मिलता है, और -84 एक मैच हारने के बाद कैसे पुश करोगे बोलो? मुझे तो यकीन नहीं होता कोई 10,000 पहुंच सकता है ऐसे, एटलीस्ट मैं बिलीव नहीं करता। ओडीसी, नीलाद्री, मैं और बहुत सारे, सुमित, बहुत लोग मतलब यहाँ पे अटक चुके हैं, मतलब जो लोग क्या बोलते हैं वो AI बॉट सिस्टम का अब्यूज़ नहीं करते, और मैं बिलीव नहीं करता कोई 10,000 पहुंच सकते हैं। आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक है, चाहे तुम कितना भी अच्छे प्लेयर हो, कैंपर्स कोई ना कोई हरा देगा चीप टैक्टिक्स यूज़ करके, क्योंकि ब्रोकन कैरेक्टर्स का कोई कमी नहीं है, ब्रोकन टैलेंट्स का कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आयरन क्लैड ने मुझे डाउन कर दिया। मैंने सोचा आज थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक ही बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ नेक्स्ट कुछ दिनों में। सोच रहा हूँ 1v1 का भी एक सीरीज चालू करूँ, क्योंकि लीडर बोर्ड्स आ सकते हैं, अभी आएगा या नहीं पता नहीं, न्यू हीरो कब तक आएगा, अभी बहुत बोरिंग लग रहा है वैसा, दो हफ्ते कोई इवेंट भी नहीं है, न्यू हीरो आ जाना चाहिए आज या परसों, वरना बहुत बोरिंग हो रहा है। लोकेशन तो चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कि इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सीरियसली 5 महीने हो गए, अभी न्यू हीरो आ जाना चाहिए, और कोबरा जैसा प्लीज थोड़ा सा पे टू विन ना हो,
तो ही सही होगा। कोबरा जैसा सिस्टम ना हो तो अच्छा है। मंकी भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अभी सीरियसली एक लिंक्स जैसा दे देना चाहिए जो कि चेस से मिल सकता है। तो ये मैच जीत गया मैं। आज ज़्यादा मैच के बारे में बात नहीं किया क्योंकि मुझे लगा बहुत दिनों से बात नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।